साहसी मेघराज। बच्चों, हमारे विशाल देश में मेघालय प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी प्रदेश में एक प्रतिभाशाली बालक रहता था। प्यार से सब उसे मामू कहते थे। मामू का पूरा नाम था मेघराज थापा। मेघराज को अपने से छोटे बच्चों से बहुत लगाव था। पढ़ाई के साथ साथ वो क्रिकेट, चित्रकला और संगीत का प्रेमी था। इसी के साथ वो बहुत बहादुर भी था। उसकी बहादुरी के लिए उसे वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। एक बार की बात है, मामू मामू बेटा मेघराज, बेटा जल्दी से उठो, नहा धोकर तैयार हो जाओ, आज घर में पूजा है बेटा, उठो ना। ये लो, उठ गया। शाबाश माँ। आज कुछ अजीब सा लग रहा है। आज तुम स्कूल नहीं गए ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। शायद हाँ, हो सकता है। चलो आज मैं चित्र बनाऊंगा, काफी दिनों से कुछ नहीं बनाया ना, और अपना कमरा भी साफ करूंगा। शाबाश बेटा। आज तो मामू भैया को ले जाकर ही छोड़ेंगे। हाँ, आज तो लेके ही जाएंगे। आज तो क्रिकेट उनके साथ ही खेलना है। हाँ, अरे आओ आओ किशन, पप्पू आओ। अरे मामू देखो तो, तुम्हारे दोस्तों की टोली आई है। अरे, अरे किशन पप्पू आओ, अंदर आओ आओ। मामू भैया, भैया चलिए ना, बाहर क्रिकेट खेलते हैं। अरे क्रिकेट? हाँ हाँ भाई मामू, चलो ना बाहर क्रिकेट खेलते हैं। आज एलिफेंट फॉल की तरफ चलते हैं। हाँ। क्या एलिफेंट फॉल? हाँ। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना वहाँ, तुम लोग जाओ खेलो, घर में पूजा है, बहुत काम है मुझे, मैं नहीं जाऊँगा। चलो चलते। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ खेलो, मैं नहीं जाऊँगा। मामू जी। माँ। बेटा जरा बाजार से कुछ सामान लेकर आओ। हम ये लो पैसे। जी। हाँ? बेटा संभाल कर रखना पैसे। हाँ अभी लेकर आता हूँ माँ। मामू बेटा। बाजार से कब आए तुम? माँ बस अभी थोड़ी देर पहले ही। सामान कहाँ रखा तुमने? वो तो मैं रसोई में संभाल कर रख दिया है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। बेटा पता नहीं तुम्हारे पिताजी कहाँ चले गए। चलो आज तो ले जाकर चलेंगे, मजा नहीं आ रहा। हाँ, मजा नहीं आ रहा। अरे पप्पू किशन तुम लोग फिर आ गए। हाँ भैया चलो ना खेलते हैं। खेलने? मामू तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना। वो तो हूँ। क्या हम तुम्हारे बिना खेलेंगे? तुम्हें हमारे साथ खेलना ही होगा। ओफो, चलो चलता हूँ, मुझे साथ ले जाकर ही मानोगे तुम लोग? हाँ। माँ मैं खेलने जाऊँ, जल्दी लौट आऊंगा। अच्छा बेटा देखो जल्दी आना। हाँ जी। और संभल कर जाना, देर मत करना, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता रहेगी। ठीक है बेटा? जी माँ संभल कर जाऊंगा। चलो चलो किशन, चलो चलो चलो।
किशन, यहाँ आकर कितना अच्छा लगता है ना? हाँ। गिरता हुआ पानी, ये ठंडी हवा, मेरा बस चले तो रोज आऊं यहाँ पर। अरे देखो कितने सारे लोग कितनी दूर दूर से आते हैं यहाँ। तब भैया आप बहाना क्यों बना रहे थे? वो पप्पू, आज मेरी कुछ इच्छा ही नहीं थी, घर में पूजा भी तो थी। अच्छा एक बात बताओ, मैं नहीं रहूंगा तो क्या तुम लोग नहीं खेलोगे? कैसी बात करते हैं भैया। भैया वो देखो, वो फूल कितना सुंदर है ना। हाँ बहुत सुंदर है। अरे हाँ, वो पानी के किनारे वो फूल तो बहुत सुंदर लग रहा है। रुको मैं तोड़ कर लाता हूँ। अरे वो फूल वो तो बिल्कुल पानी के किनारे पर है। किशन तुम उधर मत जाओ, नीचे गिर जाओगे। मैं अभी फूल लेकर आया। अरे किशन, अरे किशन सुनो ना, कहीं पैर फिसल गया तो? नहीं फिसलेगा। पानी में कहीं गिर गए तो? नहीं। तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेघराज, कुछ नहीं होगा। अरे रुको किशन। किशन भैया देखो, संभल कर जाना। अरे अरे किशन धीरे धीरे, अरे इधर उधर मत देखो किशन, अरे धीरे आराम से चलना। बस एक मिनट और। अरे, बचाओ, कोई बचाओ। अरे किशन तू पानी में, पानी में गिर गया। अरे अरे किशन, अरे किशन मैं आता हूँ। हाँ घबराना मत, मैं आता हूँ किशन, मैं अभी बचाता हूँ तुम्हें। ये कूदा मैं पानी में किशन। ये पत्थर, मेरा सर, पत्थर को भी अभी आना था। मैं किशन, किशन देखो हम किनारे तक पहुंच गए। मेरी चोट। मामू तुम, तुम्हें तो काफी चोट लग गई है। अरे खून भी बह रहा है। अरे अब क्या होगा? अरे कोई मामू को बचाओ। मेरी चोट। अरे कोई मामू को बचाओ, कोई मामू भैया को बचाओ। मामू भैया मेरी चिंता मत करो। मामू ऐसा मत करो। जा रहा हूँ। मामू, मामू भैया। अरे मामू भैया आँख क्यों नहीं खोलते? मामू, मामू भैया, मामू तुम्हें क्या हो गया? अरे आँख क्यों नहीं खोलते बोलो ना। मामू, 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 मामू भैया, मामू, मामू। इस तरह बालक मेघराज थापा ने अपनी सूझबूझ और साहस से अपने दोस्त किशन को तो बचा लिया, लेकिन खुद बहुत घायल हो जाने के कारण बच नहीं पाया। मेघराज की इस बहादुरी के लिए उसे मरणोपरांत वर्ष 1997 के वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहसी मेघराज।